कौन पोल खोलेगा? अरे अरे तो तैयार है भाई। मैम ये शुभ्रो भैया ना, जब इनको 30-30 मिल रहा था ना, 9 बजे तक के सो जाते थे, और पता नहीं अचानक क्या हुआ, अभी 2-3 बजे तक के फोन में लगे हुए रहते हैं। किसके साथ? वही तो, मैं ना ऐसे बीच बीच में जा ऐसे, तो ऐसे करते हैं तो मैं बोला ठीक है भैया, दिखा सकता हूँ, भाई भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। क्या छुपा रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये रिहर्सल हॉल में भी ऐसे रहते हैं, मतलब बता दे। अरे सच में, अभी बोलने दे शुभ्र। मैं इसको देखता हूँ, बैठ जाता, मतलब रिहर्सल करता हूँ तो बोलता थोड़ी देर टाइम पास, मतलब बैठ थोड़ा रेस्ट कर ले, जाता है बैठते मोबाइल करने, हंसते रहते हैं। ये तो प्यार में ही खुशी होती है। फिर पुच्चू, व्हाट्स गोइंग ऑन? पुच्चू बताओ प्लीज, बताओ का फोन कहाँ है, वो लेके आओ। कहाँ रख दिया? किससे बातें करते हो? अरे वो बेचारा कब से ऐसा ऐसा ऐसा। हाँ मैम, मतलब आवाज ही नहीं निकल रही, पकड़ा गया ना, पकड़ा गया। पकड़ा गया, ऐसे बोल देना। हाँ कौन है भाई? वो बोलना बोलना शुभ्रील, तू बड़ा चुप बैठा रहता था ना उधर अकेले, तू यही सोचता था कि क्या बात करूंगा रात को। ट्राई कर रहा हूँ बोलने का, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं मैम, मैं तो बस मतलब कोई भी मैसेज आता है अच्छा, मतलब वाइब लेके तो मैं खुश हो जाता हूँ। पंकज ये सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है वो मुकुल ने सही कहा है कि जब तक आपको 30-30 मिल रहे थे तो आप जल्दी सो जाते थे, अब नहीं मिल रहे हैं तो अपना दुख किसी के साथ तो बांट रहे हो। तो वो कौन है? कौन है जिसके साथ अपना दुख शेयर कर रहे हो? चलो मैं गेस करती हूँ, ये अपनी वो ऋतुजा ना, वो बहुत ज्यादा संस्कारी है, दी दी है। ये अपनी दुधेली लड़की, क्या नाम है? वाइफ श्वेता। श्वेता ये आप लगता है सही जा रहे हो, मेरे को ऐसा लगता है आप सही जा रहे हो। श्वेता मुझे वाइब आ गया यहाँ से, वाइब। भाई अगर तो वो श्वेता है तो वो तेरा फायदा उठा रही है, क्योंकि उसने जगह देख ली सर पे, उसने कहा कि स्ट्रीटो क्लासिकल वहाँ पे, ऐसे थाप की ज्यादा आवाज आएगी। अभी मैं जब हम लोग सो रहे थे, मैं फोन में लगा कैसे से प्रैक्टिस कर रहा था, सॉन्ग याद कर रहा। ओके और भैया सो गए थे? भैया सो गए थे। हाँ भैया तो पूरे नींद में। अच्छा वो बीच में अरे रुको ना ऐसा, अरे रुको ना, अरे रुको ना, ये क्या था भाई? ये नींद में बोल रहा है, ये श्वेता भी नींद में बात करती है तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ये तो मतलब कुछ तो कम्युनिकेशन इज हैपनिंग। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, दोनों ने नींद में बात की है। अच्छा। और दोनों को याद नहीं है। हाँ तो इसलिए ये रोक रहा है, ये फुल स्पीड में जा रही है, मतलब चक्कर क्या है? बोल श्वेता। वो तो अभी हंस रही है वहाँ पे। हम सिर्फ दोस्त है। अच्छे अच्छा सच्ची बोल, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। सच्ची बोल, सच्ची। शाहरुख खान सर ने कहा भी है कि एक सुंदर लड़की और एक गंजा लड़का कभी दोस्त नहीं हो सकते, कुछ तो लफड़ा होगा उनके साथ। बताओ तुम्हें, बताओ इसका कुछ लफड़ा है? वरना वो राहुल बन जाए, मैं अंजलि, हमको फुटबॉल चाहिए, हमें बास्केटबॉल चाहिए ऐसे डालने के लिए। हाय हाय रे हाय ये लड़का, हाय हाय रे हाय। व्हाट इज गोइंग ऑन? डू यू लाइक हिम एज अ फ्रेंड? Did I ask you that? Yes या no में जवाब देना। Do you like him? Yes. Very good. Do you like her? Of course yes, as a friend. So as a friend मैम, ऐसा कुछ मैंने पूछा, मैंने सिर्फ yes और no. हाँ मतलब. Do you like her? Do you like her? Yes of course. You like her? She also likes you. But as a friend मतलब कोई. तो हमने कब बोला दुश्मन दुश्मन होके एक दूसरे से अच्छा करो, मतलब ये क्या हो रहा है? तेरन सर. हाँ. ये क्या शादी ब्याह केंद्र है हमारा? ये रिश्ते जोड़ रहे हैं क्या, डांस शो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? Exactly. शादी क्यों सोच रहे बाबा, अभी एक दूसरे को बस लाइक कर रहे हैं, शादी की तरफ क्यों जा रहे हैं? मलाइका मैम ने की बैंड्रा गर्ल वाली बात, जस्ट लाइक ए फ्रेंड, शादी नहीं जस्ट लाइक ए पार्टी फ्रेंड। हम भाई मलाड वाले हैं, शादी करो, बैंड्रा वाले नहीं, जस्ट लाइक ए फ्रेंड। भाई तुम बताओ, बैंड्रा साइड सोचना है कि मलाड साइड? बोल पुच्छू बोल। बैंड्रा बैंड्रा इज लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड मलाड़ी शादी, फिलहाल के लिए बैंड्रा इज ओके। तो इस
इसी बात पे सारे जजिस को मेरी तरफ से पुचका। पानी पूरी। श्वेता ने अपने जो स्कीटो का ओ ढूंढ लिया है, बाकी अगर सब मान जाए तो फिर अच्छा एक क्लासिकल हो जाए। से ओ, से हो। शुभ्रनील, तुम्हारी नोरा के साथ डांस करने की मन्नत जरूर पूरी होगी, लेकिन अभी नहीं, अभी जाकर बैठ जाओ। तो चलिए एक बार जोरदार तालियां शुभ्रनील और मन्नत के लिए।